नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में खेले जा रहे इस मैच में दो दिन से ज्यादा का खेल बारिश और खराब रोशनी की वजह से बर्बाद हुआ है और अब इसलिए छठे दिन यानी रिजर्व डे ये मैच चला गया है। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में दो विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं और न्यूजीलैंड पर अब तक 32 रनों की बढ़त ले चुका है। खेल के पांचवें दिन जहां टीम इंडिया के गेंदबाजों का बोलबाला रहा, शमी की अगुवाई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 249 रन पर समेट दिया था, लेकिन पांचवें दिन मैदान पर फिर वो घटना घटी जिसने क्रिकेट को लगातार विश्व मंच पर शर्मसार किया है। क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणियों की घटना हाल के दिनों में ज्यादा देखी गई है। अब इसकी मार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भाग ले रहे खिलाड़ियों को भी झेलनी पड़ी है। मैच के पांचवें दिन नस्लीय टिप्पणी का मामला सामने आया और इस बार भारतीय टीम के खिलाड़ी नहीं बल्कि न्यूजीलैंड टीम के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर के खिलाफ साउथहैम्पटन के मैदान पर नस्लीय टिप्पणी हुई है। दरअसल मैच के पांचवें दिन जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी उस समय स्टेडियम में मौजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की। रॉस टेलर मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे और 37 गेंदों पर 11 रन बनाकर शमी का शिकार हुए थे। इसके बाद उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। ICC ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को भेजकर उनकी पहचान की गई और उनमें से दो लोगों को तुरंत मैदान से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसकी शिकायत रॉस टेलर या फिर कीवी टीम ने नहीं की थी क्योंकि उनको अंदाजा भी नहीं था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ फैंस ने इसकी शिकायत ICC से की और ICC ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। बात अगर मैच की करें तो न्यूजीलैंड की टीम पांचवें दिन 249 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरीके से कीवी टीम को 32 रनों की बढ़त मिली थी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 64 रन दो विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अब भारत के पास 32 रनों की बढ़त हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम 150 से 200 रनों की बढ़त लेकर न्यूजीलैंड को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुला सकता है। वैसे मैच के समय को देखकर नतीजे की उम्मीद बेहद कम है और मैच ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।